फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कैप ग्रोथ चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक माइक्रो कैप के बारे में, जो कि बहुत शानदार कंपनी है, छोटी कंपनी है लेकिन बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड बहुत हेवी मात्रा में इन्वेस्ट किए हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट जो स्टॉक के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे खासियत इस कंपनी का जो ये है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में खपत होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वेल नोन ब्रांड हैं और बहुत अच्छा, बहुत वेराइटीज़ हैं इनके, एग्रीकल्चर से लेकर के कंस्ट्रक्शन और प्लम्बिंग से, ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक में अभी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं ऐसे माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कंपनी है, पिछले 2-3 सालों में अपने इन्वेस्टर को करीब 7 गुना रिटर्न दे चुका है। तो इससे भी बहुत लोग अट्रैक्ट हैं इस कंपनी के और इस स्टॉक से। तो उस मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कंपनी है। तो ये कंपनी आप लोग के सामने है, APL अपोलो पाइप्स करके। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुई ना होइएगा, क्योंकि इसमें दो तरह की कंपनी, ये जो कंपनी है इनकी दो शेयर लिस्ट होती है स्टॉक, जो कि एक APL अपोलो ट्यूब्स के नाम से, एक अपोलो पाइप्स के नाम से। तो दो है, तो ये मैं पाइप्स से रिलेटेड जो स्टॉक है उसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कंपनी कहाँ की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और पाइपिंग जो पाइप वैरायटीज़ ऑफ पाइप जो कंपनी बनाती है उसमें ये लीडर हैं। और बहुत अच्छा इसका प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है, इसके हर तरह के पाइप में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और कस्टमर के हर तरह का जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी पूरा करती है, उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करती है अपने कस्टमर के लिए। और इनका जो सबसे ख़ास बात, इनका डीलरशिप जो नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो बहुत शानदार है, और इनका डीलर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, दोनों में रिलेशनशिप बहुत अच्छा, जिसके वजह से इनका जो ग्रोथ है बहुत शानदार ग्रोथ है। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, इसका ग्रोथ भी दिखाऊँगा, इसका प्रॉफिट भी दिखाऊँगा, और ये भी दिखाऊँगा कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है कि नहीं है। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि वो बता दूँ, ये कंपनी 3 decades एक्सपीरियंस वाली कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी है, 30 साल पुरानी कंपनी है। और इनके जो मैनेजमेंट है, मिस्टर समीर गुप्ता, वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही विजनरी पर्सन है, और जो कि इस कंपनी को बहुत आगे तक ले आए हैं, एक छोटी सी कंपनी से बहुत बड़ा कंपनी बनाया है, और बहुत शानदार इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब चलते हैं सीधा इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लम्बिंग पाइप और फिटिंग से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लम्बिंग से रिलेटेड सारे इनके आइटम्स हैं, तो इस तरह का प्रोडक्ट्स है। दूसरा इरीगेशन में जो यूज़ होते हैं पाइप्स और इक्विपमेंट्स, तो वो सारे यहाँ पे आप हैं देख सकते हैं। उसके अलावा भी कंपनी जो कि शावर्स और बाथरूम में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बनाती है यहाँ पे, तो उसके भी वैराइटीज़ ऑफ रेंज हैं, काफ़ी अच्छे रेंज के, काफ़ी अच्छी क्वालिटी कि जो प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के पास होती हैं। और कोशिश करती है कंपनी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से प्रोडक्ट को इनोवेट करती है, और डे बाय डे उसको कोशिश करती है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाया जाए मार्केट में। और तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी का, आप डिटेल में जाके इसको और भी देख सकते हैं इन्वेस्ट करने से पहले इसमें। तो प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, बहुत कस्टमर का इस पर भरोसा है। अब मैं आपको सीधा चलता हूँ, टाइम ज़्यादा आपका ना लेते हुए, इसके फंडामेंटल पर। तो आपका फंडामेंटल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा, जैसे कंपनी का जो मार्केट प्राइस है अभी वो यहाँ पे 377.40 रुपये के आसपास इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। और उसका मार्केट कैप की बात करें तो वो करीब करीब 494.95 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसको माइक्रो कैप में मानेंगे, माइक्रो मतलब स्मॉल कैप से भी छोटी ये कंपनी है, मतलब अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें, क्योंकि इनकी ये जो कंपनी का मर्ज है, सॉरी कंपनी का जो है कि इनके दो स्टॉक है, एक जो ट्यूब्स बनाती है उनके अलग स्टॉक है कंपनी ने बना रखा है, लिस्ट कर रखा है स्टॉक एक्सचेंज पे, और दूसरा जो है कि एक पाइप्स के से है वो स्टॉक अलग यहाँ पे लिस्ट है।
तो इसलिए इसका छोटा मार्केट कैप है यहाँ पे करीब करीब 500 करोड़ के आसपास। बुक वैल्यू देखें तो 175 रुपये का बुक वैल्यू है। और पी रेशियो भी देखिए तो अभी कह सकते हैं काफ़ी तो नहीं, मतलब हाँ ठीक ठाक है इसका पी रेशियो, 20 से नीचे है तो ठीक ठाक है। और आर ओ सी देखिए यहाँ पर देखिए करीब करीब 12.5 का आर ओ सी ई है, आर ओ ई देखिए तो करीब करीब 16 यहाँ पर देख सकते हैं 16.34% का है, तो दोनों अच्छा है। और यहाँ पर आपको मैं जो कंपनी का हाई जो लो बनाया था, 475 रुपये का हाई बनाया था, 315 रुपये का लो इस कंपनी ने बनाया था, फेस वैल्यू भी 10 रुपये का है, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, स्प्लिट होगी तो और इसका प्राइस डाउन होगा। यहाँ पे प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर कम से कम प्रोमोटर के पास जो है जो होल्डिंग है वो 47% के आसपास होल्डिंग है। और कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए। और पिछले 3 साल की अगर ग्रोथ देखें कंपनी की प्रॉफिट में, तो वहाँ पर देख सकते हैं बहुत शानदार है, 512% का ग्रोथ है 3 साल में, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। 5 साल में देखें तो 134% का ग्रोथ है, अगर 7 साल में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 84.85% के आसपास का ग्रोथ है। कंपनी के ऊपर कर्ज है तो बिल्कुल ना के बराबर कर्ज है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटी है तो थोड़ा कर्ज मान सकते हैं, 112 करोड़ का कर्ज है। और उसका जो नेटवर्थ है वो करीब करीब 194 करोड़ का नेटवर्थ है। तो अगर डेट रेशियो की बात करें, जो डेट रेशियो होता है वो यहाँ पे 0.58 का डेट रेशियो, और कंपनी के पास अभी जो रिज़र्व पैसा पड़ा हुआ 181 करोड़ का रिज़र्व पैसा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका जो ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पर मैं आपका स्क्रीनर का अगर सजेशन माने तो यहाँ पर कंपनी इनके जो प्रॉस कौन से जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपनी का इसने दिखाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 4 चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है। कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है, प्रोमोटर का स्टेक इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, यहाँ पर 5 साल में 133.33% के आसपास से जो है कि कंपनी ग्रो कर रही है, तो बहुत अच्छा बात है। तो ये 4-5 चीज़ है यहाँ पर, इसमें अगर नेगेटिव की बात करें तो कोई ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक्स दिखाऊंगा, जो कि मैं बताया कि जैसे 2-3 साल में कैसे इन्वेस्टर का पैसा 7 गुना हुआ है, वो मैं आपको पहले दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये देखिए अपोलो पाइप्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 फरवरी के आसपास कंपनी का जो मार्केट कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो करीब 100 रुपये के आसपास था। वो कंपनी 2 साल में करीब यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी 2018 में 708 रुपये के आसपास इसका हाई लगाया था। उसके बाद कंपनी में लगातार मार्केट उस टाइम से जो मार्केट डाउन है, तो इस स्टॉक पर भी असर है, ये भी डाउन है क्योंकि माइक्रो कैप फिर भी ज़्यादा नहीं गिरी, 50% के आसपास गिरी है, नहीं तो और भी कंपनी तो बहुत सारे ऐसे कंपनी जो 80% 90% गिरे हैं, छोटी कंपनी स्मॉल कंपनी, ये माइक्रो कैप कंपनी होने के बाद भी 50% इसका स्टॉक प्राइस डाउन हुआ है, तो ठीक ठाक कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल में कंपनी करीब करीब 7 गुना रिटर्न दिया है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल है, स्टॉक में पोटेंशियल है। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर जो म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम लोग देख ले। इसमें 2 बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, IDFC म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, दोनों बहुत अच्छा और हेवी मात्रा में इन्वेस्ट किया है। देख सकते हैं IDFC है कि 4.5% के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है, और यहीं पर कोटक महिंद्रा है कि 3.74% का स्टेक इस कंपनी में बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और भी शेयर होल्डिंग और पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमको हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का स्टेक है, देखिए यहाँ पर पिछले 2000 सितंबर की बात करें तो उस टाइम प्रोमोटर के पास यहाँ पे 37% के आसपास स्टेक था, उसके बाद प्रोमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया, तो ये अच्छी साइन होती है। अगर कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का ट्रस्ट होता है, उसको पता होता है कि कंपनी आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करने वाला है, तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक को बढ़ाता है, तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर ने 42% का स्टेक बनाया, अब उसके बाद 47% का स्टेक है, तो अभी कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके पास 47% का स्टेक। उसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनके पास करीब करीब 11% का स्टेक है, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर उसके पास भी ऑलमोस्ट
3% का स्टेक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पब्लिक शेयर होल्डर है जिनका 1% से ज़्यादा का स्टेक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साकेत अग्रवाल है, वो 2019 सितंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 5% के आसपास स्टेक बनाए। IDFC टैक्स एडवांटेज के पास 4.4%, कोटेक स्मॉल कैप के पास 3.7 का स्टेक है, और उसका मुकुल अग्रवाल है, ये सारे। और जो जाने माने इन्वेस्टर हैं आशीष कोचोलिया, उनके पास भी 2% का स्टेक है यहाँ पे। तो ये रहा स्टेक। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल हम लोग चेक कर लेते हैं और इसका देखते हैं कि हम लोग इस कंपनी का ग्रो कैसा है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कैसा बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व पैसा वो कैसा बढ़ रहा है। तो कंपनी का यहाँ पे आपको देखिए डेटा क्लियर कट जो दिया हुआ है 2 मार्च 2017 से दिया हुआ है, उस टाइम कंपनी का जो रेवेन्यू था 241 करोड़ का था, उसके बाद बढ़ करके 284 करोड़, 361 करोड़। और यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड में एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग, हाँ कंसोलिडेटेड में आपको क्लियर कट दिखाएगा। तो कंसोलिडेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिखा रहा, स्टैंड अलेवन में इंडिया पाइप्स का दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैंड अलेवन का ही डेटा दिखाऊंगा। तो मार्च 2017 में 241 करोड़, उसके बाद 284 करोड़, 361 करोड़, उसके बाद इस साल का जो है कि अभी तक का 378 करोड़ का इसका यहाँ पे रेवेन्यू है। तो बहुत अच्छा माना जाएगा इसको ग्रोथ में, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा बहुत अच्छी तरह से कंपनी कर रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ 22 करोड़ 23 तो ऑलमोस्ट 24 करोड़ और अभी 3 क्वार्टर का 25 करोड़ है, अभी 1 क्वार्टर का इसमें ऐड होना बाकी है। तो प्रॉफिट में ही बहुत अच्छा है, अभी इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है इस स्टॉक को ग्रो होने का। अगर रिजर्व की बात करें तो देखिए कंपनी के पास कैसा रिजर्व पैसा इकट्ठा हो रही है। तो यहाँ पे मैं ईयर दिखा दूँ, 2015 में सिर्फ 4 करोड़ का रिज़र्व था, उसके बाद 2016 में 4 करोड़ का बस, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा रिज़र्व बनाया, 217 करोड़ का रिज़र्व यहाँ पे कंपनी के पास है। और कर्ज़ की बात करो तो कर्ज़ में अच्छा खासा यहाँ पे देखिए 2017 में कंपनी के पास जो कर्ज़ था वो करीब 20 करोड़ का था, उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्ज़ बढ़ाया था कंपनी ने 238 करोड़, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में आप देखिए कर्ज को बहुत अच्छा 50% रिड्यूस किया है कंपनी ने। तो ये एक बहुत अच्छा शाइन है, बहुत अच्छा कंपनी के लिए कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए कि बहुत अच्छा इसका जो डेट को रिड्यूस किया है। तो ये कुल मिला के ओवरव्यू रहा इस स्टॉक के बारे में। और EPS भी देखिए तो 19 का EPS है, EPS जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना जो भी सुझाव है और कमेंट करके ज़रूर दें। उसमें मैं अगर किसी स्टॉक के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके डेफिनेटली दे सकते हैं, मैं वो रिव्यू करके उस पर भी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।